You all in Bhagadiya Bal Vidya Niketan online classes. Today the topic is union in MySQL. The union is used to combine and returns all the distinct row selected by query. It means ki union kya karega agar apan do ya do se zyada table mein queries apan apply karenge, it means uske data ko combine karenge, to union kya karega, jo bhi distinct row hogi usko show karega. सपोज दैट कि आपके पास टेबल के अंदर है, दोनों टेबल के अंदर है, अगर सेम डेटा आता है तो वो उसको दो बार रिपीट नहीं करेगा, वो ओनली वन टाइम उसको शो करेगा. इसमें अगर अपन को यूनियन दो टेबल के बीच में बनाना है तो आपको क्या ध्यान में रखने वाली बात है, तो अपन ये कहते हैं टेबल्स आर सेट टू बी यूनियन कंपेटेबल इफ़ बोथ द टेबल्स आर ऑफ सेम डिग्री. मतलब दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम है दोनों के सेम होने चाहिए. The domains of corresponding attribute in both tables should be same. It means कि दोनों के अंदर जो भी domains हैं, it means जो value का type होगा वो भी क्या होना चाहिए, same होना चाहिए. तो अपन बात करते हैं कैसे अपन करेंगे. अपन ने example लिखा है select star from table 1, union select star from table 2. It means दोनों के data combine होंगे और उसके अलावा आपका जो table है उसके अंदर जो भी रोज आपने दे रखी है अगर वो रोज मैच करती है दोनों टेबल के अंदर तो वो ओनली वन टाइम ही शो होगा. तो देखते हैं अपन प्रैक्टिकल कैसे करेंगे. आपके सामने मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने पास एक, मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ अपने डेटाबेस को और यहाँ अपन करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक टेबल है EMP. एक और टेबल अपन यूज ओपन करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2 या EMP1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2. आप ये देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो दो टेबल है, फर्स्ट इज EMP, सेकंड इज EMP2. इसके अंदर अगर अपन बात करें 101 का डेटा दोनों के अंदर सेम है, इट मीन्स ये ओनली वन टाइम ही शो होगा अगर आप इसको कंबाइन करते हो. तो अपन कंबाइन कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2. जैसे मैं यहां पर इंटर करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो 101 है, इट मीन्स राम वाला जो भी रिकॉर्ड है वो ओनली वन टाइम शो कर रहा है. बाकी आपका डेटा तो वन टाइम शो करेगा ही, पर अगर अपन बात करें राम है वो यहाँ पर भी है, इस टेबल के अंदर भी है और आपका इस टेबल के अंदर भी है. इट मीन्स ये क्या करेगा, ओनली डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को क्या करेगा, शो करेगा. तो ये था अपना यूनियन. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्ट. इन SQL इंटरसेक्ट ऑपरेटर रिटर्न्स रोज दैट आर कॉमन बिटवीन टू टेबल्स. ये क्या करता है, उसी रो को, उसी रिकॉर्ड को रिटर्न करता है जो दोनों टेबल के अंदर क्या होता है, सेम होता है. इट मीन्स एक तरफ तो अपन ने क्या किया कि जो सेम था उसको वन टाइम अपन ने क्या किया, शो किया. और अगर अपन बात करें इंटरसेक्ट की तो वो क्या करेगा, दोनों के अंदर जो कॉमन डेटा है उसको ही शो करेगा. इसका अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो अपन ने लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल 1 वेयर नेम इन सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल 2. यहाँ पर मैंने स्टार फॉर्म नहीं किया, इट मीन्स मैं ओनली नेम का कॉलम है वो ही शो करना चाहता हूँ. किससे, टेबल 1 से. उसके आगे मैंने लिखा है वेयर नेम इन, नेम किसके अंदर होना चाहिए, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, सॉरी सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल 2, कि जिस जो नेम है टेबल 2 के अंदर भी हो और जो नेम टेबल 1 के अंदर भी हो वो ही शो. तो अपन बात करें इसके प्रैक्टिकल की, तो देखिएगा अपन ने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम EMP, ओके, वेयर नेम इन, इन ऑपरेटर मैंने पहले भी यूज करना बताया आपको, इन नॉट इन बिटवीन ये सारे. यहां पर मैं लिखूंगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम EMP2. इट मीन्स कि EMP1 और EMP2 के अंदर जो भी नेम सेम है वो ही शो हो. तो अपन जैसे इंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम क्या आ रहा है, ओनली राम यहाँ पे आ रहा है. इट मीन्स कि यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि राम जो नेम है वो कितनी बार आ रहा है, टू टाइम्स आ रहा है, दोनों टेबल के अंदर है. इट मीन्स वो कॉमन डेटा है तो उसको ही आपका ये जो शो कर रहा है. ये था अपना इंटरसेप्ट. नेक्स्ट अपन बात करें वो करेंगे यूजिंग और ऑन की. देखिए दोनों कीवर्ड है, दोनों ही क्लॉज है, इनको अपन यूज कैसे करते हैं. तो अपन कहते हैं ऑन क्लॉज रिक्वायर ए कंप्लीट जॉइन कंडीशन.
अगर आप ऑन कीवर्ड का यूज करेंगे तो आपको कंप्लीट ज्वाइन कंडीशन देनी पड़ेगी. कंप्लीट ज्वाइन कंडीशन मींस जैसे emp.id=emp1.id, ऐसा अपन को देना पड़ेगा. और दूसरा ये कि यूजिंग क्लॉज रिक्वायर द फर्स्ट नेम ऑफ द ज्वाइन फील्ड. इट मींस जो यूजिंग क्लॉज है उसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपका फर्स्ट जो आपका फील्ड है या अपन कहते हैं जो ज्वाइन फील्ड है वही आपको देना पड़ेगा. मतलब यूजिंग के अंदर मैं ओनली आईडी लिखूंगा, वहां पर emp.id नहीं लिखूंगा. नेक्स्ट अपन यहाँ पे अपन ने एक स्टार बना रखा है. अपन ये कहते हैं कि यूजिंग सब क्लॉज प्रोड्यूस नेचुरल ज्वाइन. जो आपका यूजिंग है वो किसको प्रोड्यूस करता है, नेचुरल ज्वाइन को. नेचुरल ज्वाइन जहां पर अपन को इक्वी ज्वाइन की कंडीशन नहीं लगानी पड़ती. वेयर एज ऑन क्लॉज प्रोड्यूस इक्वी ज्वाइन. ऑन क्लॉज क्या प्रोड्यूस करता है, इक्वी ज्वाइन को करता है. तो जैसे अपन ने नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 यूजिंग आईडी. तो अपन ने इतना ही लिखा है यूजिंग और उसके ब्रैकेट के अंदर आईडी. इट मींस वहां पे अपन को इक्वी ज्वाइन की कंडीशन लगानी नहीं पड़ेगी. पर अगर अपन बात करें किसकी, ज्वाइन कीवर्ड के साथ अगर अपन यूज करते हैं तो अपन ये कहते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2 ऑन. ऑन कीवर्ड का यूज किया है तो अपन ने आगे क्या किया है, कंडीशन का यूज किया है, इक्वी ज्वाइन की कंडीशन का यूज किया है. टेबल 1.id=table2.id. तो देखते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल. Then मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और अपन ने लिखा ईएमपी ज्वाइन ईएमपी 1 और यहां पर मैं करता हूं ऑन. यहां पर ऑन करके अपन लिख देते हैं आईडी. सॉरी यहां पर अपन यूज करते हैं using id. ओके, जैसे मैं इंटर करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पे लिखा है यूजिंग आईडी. इट मींस कि यहां पर आपको इक्वी ज्वाइन की कंडीशन देना मस्ट नहीं है, आपका डेटा है वो कंबाइन हो रहा है. पर अगर अपन बात करें, अगर अपन ऑन का यूज करते हैं तो अपन कैसे करते हैं, तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ज्वाइन ईएमपी 1 ऑन. यहां पर अपन लिखेंगे emp.id=emp1.id. तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑन के साथ मैंने यहां पर इक्वी ज्वाइन के कंडीशन का यूज किया है, अपना डेटा वैसे आ रहा है. और अगर अपन बात करें अपन ने यूजिंग का यूज किया है तो अपन ने ओनली आइडेंटिकल कॉलम है, या अपन कहते हैं कि ज्वाइन जो अपनी कंडीशन है वो यूज नहीं की है, ओनली कॉलम नेम ही यूज किया है. तो ये था अपना यूजिंग और ऑन क्लॉज. नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल. एक टेबल से आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरी टेबल बना भी सकते हो. कैसे बनाएंगे, तो अपन लिखेंगे क्रिएट टेबल टू. इट मींस कि जो आपको टेबल बनानी है उसका नेम लिखेंगे और आगे कंडीशन अपन क्या दे रहे हैं, सेलेक्ट आई कोड. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई जो भी अपन को फील्ड लेने हैं, आई कोड है या DSC है फ्रॉम और देन टेबल 1 और वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 102. तो ये अपन ने कंडीशन लगाई है कि अपन को टेबल 2 बनानी है, उसमें ओनली 2 कॉलम्स इशू होने चाहिए, कौन से, आई कोड और DSCP. और उसके साथ ही साथ आपने कंडीशन लगाई है कि जहाँ पे आईडी 102 से बड़ी हो वही आपका डेटा शो. तो ऐसे अगर अपन टेबल बनाना चाहते हैं वो भी एग्जिस्टिंग टेबल से, तो अपन कैसे करते हैं देखिएगा प्रैक्टिकल. अपने पास एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. आपके सामने ये टेबल है, मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में से मेरे को ओनली आईडी और नेम ही बनाना है दूसरी टेबल के अंदर. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट टेबल, टेबल नेम सपोज है न्यू टेबल अपन ने बना रहे हैं वो तो बना रहे ईएमपी ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ EMPLOY EE एम्प्लॉई टेबल बना रहे हैं. अब अपन को क्या चाहिए इसके अंदर, अपन ये चाहते हैं कि मेरे को ओनली आईडी चाहिए. तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट क्या चाहिए अपन को, एक तो आईडी चाहिए और एक अपन को क्या चाहिए, नेम चाहिए. फ्रॉम किससे चाहिए, ईएमपी से चाहिए और यहाँ पे अपन कंडीशन लगा रहे हैं वेयर आईडी ग्रेटर देन 102. इट मींस कि जिसकी आईडी 102 से बड़ी होगी उसका ही नेम और उसकी आईडी शो होगी किसके अंदर, टेबल एम्प्लॉई के अंदर. तो क्वेरी ओके हो चुका है, अपन देख लेते हैं अपनी एम्प्लॉई टेबल बन चुकी है क्या. तो अपन लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई. ओके, जैसे मैं इंटर करता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहां पे ओनली आईडी और नेम ही शो हो रहा है, उसके अंदर 102
टू से ग्रेटर देन जो आईडी उसका ही रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो ये था अपना एग्जिस्टिंग टेबल से अपन न्यू टेबल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टेबल एलियास। अपन कहते हैं कि ए टेबल एलियास इज ए टेम्प्रेरी लेबल गिवन टू अलोंग विद टेबल नेम इन फ्रॉम क्लॉज। अपन ये कहते हैं कि टेबल अगर टेबल नेम बड़ा होता है तो उसका अपन एक अल्टरनेटिव नेम भी यूज कर सकते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, टेबल एलियास बोलते हैं। अपन यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो अपन लिखा सेलेक्ट नेम कोमा कॉन्टेक्ट, ये टेब अपने क्या है जो अपने कॉलम नेम है, फ्रॉम कहाँ से एम्प्लॉई, और उसके आगे मैंने स्पेस देके क्या लिखा है ई, इट मीन्स एम्प्लॉई का अल्टरनेटिव नेम क्या होगा ई होगा। देन कस्टमर सी, कस्टमर का जो अल्टरनेटिव नेम या एलियास नेम क्या होगा सी होगा। वेयर अब अपन ने यहाँ पे क्या किया है ई डॉट आई डी, आई डी इज इक्वल टू सी डॉट आई डी, इट मीन्स आपको यहाँ पे टेबल नेम पूरा नहीं लिखना पड़ा, आपने खाली अपन ने क्या लिखा है ओनली टेबल का अल्टरनेटिव नेम ही शो किया है। तो देखते हैं अपन कैसे अपन करते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ कंडीशन को, सेलेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा स्टार फॉर्म ई एम पी, ई एम पी का अपन अल्टरनेटिव नेम दे देते हैं ई, और यहाँ पे अपन कर देते हैं ई एम पी, और यहाँ पे कर देते हैं अपना दूसरा था ई एम पी टू, सॉरी ई एम पी वन, और यहाँ पर अपन करते हैं वेयर। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ई एम पी नाम ना लिख के अपन ई का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका अल्टरनेटिव नेम है। एक चीज़ अपन को यहाँ पे ये करनी पड़ेगी, ई एम पी वन का भी अपन एक अल्टरनेटिव नेम देते हैं, वो अपन दे देते हैं ई वन। अब अपन क्या करेंगे वेयर, और यहाँ पे करेंगे ई डॉट आई डी इज इक्वल टू वन डॉट आई डी। तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया मैंने यहाँ पे लिखा था ई एम पी डॉट आई डी इज इक्वल टू ई एम पी वन डॉट आई डी, अब आपने क्या किया है अल्टरनेटिव नेम दे दिया है। कई बार क्या होता है टेबल का नेम बड़ा होता है तो अपन को वो बार बार लिखना होता है, तो इक्वी ज्वाइन के अंदर आप क्या कर सकते हो उसका अल्टरनेटिव नेम देख के और उसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आपका डेटा है वो कंबाइन हो रहा है, इट मीन्स आपका जो आपका अल्टरनेटिव नेम है या टेबल एलियस नेम है वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज टू शो इंजन एंड कॉन्स्टेंट एंड देयर कॉलम्स। अगर आपको किसी भी टेबल का इंजन शो करना है, यहाँ पे अपन बात करेंगे इंजन, इंजन यहाँ पे क्या है एक मैथोलॉजी है जिसके ऊपर आपका MySQL काम करता है। जनरली आपके दो टाइप के जो इंजन होते हैं, एक तो होता है InnoDB और एक होता है MyISAM, तो कौन सा आपका इंजन पे ये काम कर रहा है तो उसके लिए अपन बात करेंगे। तो देखते हैं अपन को क्या लिखना होता है, शो क्रिएट टेबल और टेबल नेम, टेबल नेम सपोज दैट EMP है तो मैं लिखूंगा शो क्रिएट टेबल EMP। तो देखते हैं अपन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो क्रिएट टेबल ई एम पी, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, आपकी टेबल ई एम पी है, आप कर्सर देख पा रहे हैं ई एम पी है, यहाँ पर आपके कॉलम नेम आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपके यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी शो हो रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है इंजन InnoDB, तो ये आपका बाई डिफॉल्ट इंजन है और InnoDB पे ही वर्क करता है आपका MySQL। अगर अपन बात करें प्राइमरी और फॉरेन की तो प्राइमरी और फॉरेन की InnoDB पे वर्क करता है, तो अपना ये क्या है InnoDB है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो अपना जो इंजन है वो देख भी सकते हो। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है टू सेट द इंजन। अगर बाय द वे यहाँ पर आपको नेम शो हो रहा है MyISAM या फिर ISAM तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, तो आप क्या कर लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे टू सेट इंजन ऑल्टर टेबल EMP इंजन इज इक्वल टू InnoDB। आप क्या लिखोगे ऑल्टर टेबल EMP इंजन इज इक्वल टू InnoDB, इट मीन्स कि आप यहाँ पर इंजन चेंज कर सकते हो, अपना इंजन पहले से क्या है InnoDB है तो मैं यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है इनेबल और डिसेबल फॉरेन की। देखिए अपन बात करें जब भी फॉरेन की अपना वर्क नहीं करता है इट मीन्स वो क्या है डिसेबल है, पर अगर अपन बात करें कि इसको इनेबल करना हो तो अपन क्या लिखते हैं सेट फॉरेन की चेक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर का यूज़ किया है फॉरेन अंडरस्कोर की अंडरस्कोर चेक्स, वो आप ध्यान रखिएगा। तो अपन करते हैं कैसे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट फॉरेन की अगेन अंडरस्कोर है और यहाँ पे लिखा मैंने चेक्स इज इक्वल टू वन, तो ये क्या होगा आपका इनेबल हो जाएगा, क्वेरी ओके होने का मतलब वो ये इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है डिसेबल, डिसेबल करना तो आप यहाँ पे जीरो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपना आता है नॉट, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कौन सी टेबल है वो चाइल्ड टेबल है कौन सी पेरेंट टेबल है। अपन ने पहले भी जैसे पढ़ा था प्राइमरी और फॉरेन की कॉन्स्टेंट के अंदर कि जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसे अपन क्या बोलते हैं पेरेंट टेबल बोलते हैं, इट मीन्स कि जिस टेबल से फॉरेन की बनाई जाएगी
वो क्या होगी, पेरेंट टेबल होगी, और जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होगी, या अपन कहते हैं जिस टेबल के अंदर फॉरेन की वर्क करेगी वो क्या होगी, चाइल्ड टेबल। तो अपन कहते हैं कि द टेबल इन विच ए फॉरेन की इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेफरेंसिंग और चाइल्ड टेबल। जिसके अंदर आपने क्या किया है, टेबल को, टेबल के अंदर फॉरेन की डिफाइन की है, वो क्या होगी आपकी चाइल्ड या फिर रेफरेंसिंग टेबल। एंड ए टेबल टू विच ए फॉरेन की पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस्ड और पेरेंट टेबल, कि जिस टेबल से आपने जो आपका फॉरेन की उसको पॉइंट किया है, मतलब पॉइंट किया मतलब अपन क्या करते हैं, अपन प्राइमरी से फॉरेन को पॉइंट ही करते हैं, तो जिस टेबल के अंदर आप फॉरेन की को पॉइंट कर रहे हो वो टेबल क्या होगी, रेफरेंस्ड या फिर पेरेंट टेबल।